सज्जाद हुसैन की सियासत कहाँ देखते हैं? सियासत खत्म हो चुकी, जो इमरान खान को छोड़ेगा जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। शहबाज शरीफ के ऊपर लानत भेजता हूँ, हमजा के ऊपर भी लानत भेजता हूँ। हमारे साथ इजाज़ चौधरी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि चॉइस साहब दिमागी तवाज़न खो बैठे हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई तबसरा नहीं किया जा सकता। सर, जो आज हुआ है आप इस पे क्या कहेंगे? किस पे? आज जो कुछ हुआ है, 10 वोट, आज जो कुछ हुआ है ये जमहूरियत के साथ खिलवाड़ है और ये न्यूट्रल्स की हिमा पे हुआ है और एक ऐसा जुल्म हुआ है पाकिस्तानी कौम के खिलाफ कि जो रेफरेंडम 17 जुलाई को हुआ था, ये फैसला उसके बिल्कुल बरक्स है और कौम इसका हिसाब लेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब इंतखाब ने इनकलाब रास्ता है, इंकलाब रास्ता। चौधरी, शुजात हुसैन की सियासत कहाँ देखते हैं? सियासत खत्म हो चुकी। मोनो सिलाही साहब के लिए कोई पैगाम? देखिए, मेरा पैगाम सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए है, हम इंशाल्लाह इमरान खान की क्यादत में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो इमरान खान को छोड़ेगा जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से क्या तवक्कात हैं आपकी? सुप्रीम कोर्ट से अच्छी तवक्को रखते हैं क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की है और तौहीन अदालत की है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट दोस्त मजारी को भी सजा देगी और परवेज़ अली को वजीर आला डिक्लेयर करेगी। सुप्रीम कोर्ट नहीं फैसला सुनाती, क्या लाया अमल होगा? हमारा लाया अमल होगा, हम आवाम के पास जाएंगे और एक मरतबा फिर इस्लामाबाद की कॉल देंगे। शबाशी के लिए आखिरी में कोई पैगाम? कौम के लिए यही पैगाम है कि तैयारी करें और इमरान खान जो कॉल दे उसके मुताबिक आगे बढ़े। शहबाज शरीफ के लिए कोई पैगाम? शहबाज शरीफ के ऊपर लानत भेजता हूँ, हमजा के ऊपर भी लानत भेजता हूँ। एक जरदारी, एक जरदारी, एक जरदारी, एक जरदारी, एक जरदारी, एक जरदारी, इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, क्राइम मिनिस्टर, क्राइम मिनिस्टर, क्राइम मिनिस्टर। भाई साहब इजाज़ चौधरी साहब जो होते हैं, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। एक और स्टोरी के साथ फिर से हाजिर हो देते हैं, अल्लाह ने के बाद।